मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 39 सीटों के लिए घोषित प्रत्याशियों की लिस्ट में छतरपुर जिले के 2 विधानसभा सीटें भी शामिल है। छतरपुर विधानसभा 51 से पूर्व मंत्री ललिता यादव को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ छतरपुर नगर की सदर सीट से पूर्व प्रत्याशी रही अर्चना गुड्डो सिंह के समर्थन में महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि पूर्व राज्य मंत्री 18,000 वोटों से बड़ा मलहरा विधानसभा से हारी हैं, उनको भाजपा ने छतरपुर से टिकट क्यों दिया है, जबकि पिछली बार छतरपुर सदर सीट से मात्र 3,000 वोटों से अर्चना हारी थी। महिलाओं ने बीजेपी आलाकमान से अर्चना गुड्डो सिंह को छतरपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है, साथ ही भाजपा प्रत्याशी ना बनाए जाने पर पार्टी का विरोध करने की बात कही है। महिलाओं का कहना है कि अर्चना गुड्डू से हमेशा सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो महिलाएं बड़ा प्रदर्शन करेंगी। कहते हैं कि भाभी को ही पार्टी से टिकट मिलना चाहिए, वो उसके काबिल हैं। उन्होंने छतरपुर में 5 साल में काम किया है, जिस पार्टी को उन्होंने टिकट दिया है, आप हमें ये बता दो कि उन्होंने क्या किया है छतरपुर के लिए। कभी हमने उनको देखा भी नहीं, मैं नहीं जानती कौन हूँ अगला, मैं किसी का विरोध करने नहीं आई हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है, ना मैं किसी के कहने में आई हूँ। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती है, मगर आज युवाओं को मौका ही छीन लिया बिल्कुल, तो विश्वास ही उठ गया। इसलिए अगर पार्टी अपना टिकट नहीं बदलती है तो हम अपना पार्टी से बिल्कुल पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। विरोध यानी विरोध, पार्टी से बिल्कुल नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है।